ये भैया ब्रज बड़ो विचित्र देश है, बहुत विचित्र देश है। हमारे महाराज जी के एक शिष्य थे, काने कुब्ज ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे सच्चरित्र और बड़े भजनानंदी थे, भक्त थे। उनका नाम था पंडित श्री बालक राम जी द्विवेदी। महाराज जी ने उनका दीक्षांत नाम बालक राम दास रखा। बोले नहीं नहीं, हम दास वास नहीं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमको शरण लगा दो। महाराज बोले हमारे कोई भेद नहीं। तो महाराज जी ने उनका नाम रखा था बालक राम शरण। बोलो वृंदावन बिहारी। नहीं, हमारे यहाँ कहते रसिक महात्मा शरण लगाते हैं, वो दास लगाते हैं। ठीक है, जो राज आवे, जो अर्थ दास शब्द का है वही अर्थ शरण शब्द का, शरण लगा। तो वो महाराज जी जब गिरिराज जी में रहते तो वो सीओ साहब, सीओ थे वो, तो सीओ साहब जो है एक ब्रजवासी के घर में, एक ब्राह्मण दसवें से में एक ब्रजवासी ब्राह्मण के घर में किराए से रहे। एक दिन महाराज जी के पास आए, बोले बाबा आशीर्वाद दे दो, हमारा यहाँ ते तबादलो है जाए। महाराज जी बोले क्यों? अरे बोले भैया बड़े बेसहूर होते हैं, असभ्य होते हैं ब्रजवासी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बोले हम जिस घर में किराए से रह रहे हैं, बाप पंडा की ब्राह्मण की छोटी लाली रोए रही, तो पंडा ने कही जोर से, हे कहा कर रही है, देख के किल्ला रही है या चुप कर, बीबी काई को रो रही है, बीबी के ना, बीबी काई को रो रही है, चुप कर आ जाए। तो पत्नी आई, मैया आई, वो बेचारी घर का काम धंधा बहुत रहता, हे चुप जा, नहीं चुप भाई, एक लगाई थप्पड़ लाली में और कही अरे सौत चुप है जा, मेरी सौत चुप जा, काई को खिल्लाए रही है। बोले हमारे तो बिच्छू जैसा काट गया, अपनी लाली को सौत कह रही है, अरे राम राम, कैसो भेजो हुए ब्रजवासी इनको, बड़े असभ्य हो ब्रजवासी, बाबा हमारा तो यहाँ ते स्थानांतरण है जाए सो अच्छो। महाराज जी सुनकर रोने लगे। महाराज जी के अंतःकरण की स्थिति तो अलग थी, बाबा आप क्यों रोने लगे? महाराज जी बोले ब्रजवासियों के इन वाक्यों को सुनकर संतों की समाधि लग जाती है। इसमें कौन सी भाव समाधि? महाराज जी ने गदगद कंठ से कहा, आप भाव नहीं समझे, ब्रज की जितनी भी गोपियां, चाहे वो 10 बरस की हो और चाहे 1 बरस की हो, चाहे 10 दिना की हो और चाहे 50 बरस की हो, वो सब की सब श्री कृष्ण की हैं, और यहाँ ब्रज में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, बाकी तो सब गोपी हैं। या भाव सो, वो छोरी तो देह को संबंध है, सच्चो संबंध तो ये कि जैसे वो कृष्ण की, यू तो कृष्ण की है, तो पति तो दौवन के श्री कृष्ण ही हैं। यासो सौत चुप है जा, अरे मेरी सौत काहे को किल्लारी, चुप है जा, या मैं कहा गजब हो गया। तो सीओ साहब जी बोले बाबा आप तो अपने भाव राज्य में रहो, आपने तो जो कछु कही सो सही, हमारी तो समझ में ना आया। महाराज जी का अंतःकरण कैसा था? ब्रजवासियों के, इसलिए हमारे ब्रज में प्रसिद्ध है ये वृंदावन की लीला, मत मानो या है गुरु को चीला, ये ब्रजमंडल की लीला, मत मानो या है गुरु को चीला, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे, जाते ऋषि मुनि गए हार, जपे
वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।